जी सर, क्या है मामला? ये विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों का जिला स्तरीय अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में एस ड्राइव में विभूतिपुर थाना प्रभारी और विभूतिपुर रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ रोसड़ा और विभूतिपुर थाना प्रभारी के द्वारा एक अच्छी बरामदगी की गई है। इन लोगों के द्वारा ग्राम पकाही में वार्ड नंबर 9 में उनको गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एकत्रित हो रहे हैं और उनके घर पर कुछ बड़े हथियार भी हैं। उस क्रम में इन लोगों के द्वारा छापेमारी भी की गई। छापेमारी के पश्चात हम लोगों को वहां से एक कार्बाइन, दो कार्बाइन का मैगजीन, एक देसी राइफल, दो देसी कट्टा और 27 लाइव बुलेट्स बरामद हुए हैं। उस लाइव बुलेट्स में अलग अलग तरह की बुलेट्स हैं, 9 mm की बुलेट्स हैं, 7.62 mm की बुलेट्स हैं, एक एंड्रॉइड फोन भी मिला है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और घर में से एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो इस पूरे हथियार का जो ओनर है, मालिक है, वो वैद्यनाथ महतो एस्टेब्लिश हुआ है, वो भागा हुआ है। पुलिस की आने के पहले वो घर से निकल चुका था। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और ये पूरे हथियार का क्या लिंकेज है, कहाँ से आया है, कहाँ से इसकी सप्लाई हुई है, उस बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। गाँव में जो अन्य लोग भी संदिग्ध हैं जो वैद्यनाथ महतो से संपर्क रखते हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में एक कार्बाइन, एक देसी राइफल और 27 लाइव बुलेट्स हैं और दो देसी कट्टे हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं। ये हम लोगों ने बरामद किए हैं। एक अच्छी बरामदगी है। इस बरामदगी और अभियान के लिए मैं एसडीपीओ रोसड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है और मुझे उम्मीद है कि सब डिवीजन पुलिस रोसड़ा ऐसे ही कार्य करती रहेगी। अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करते हुए पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो नाम नहीं हम लोग बताएंगे, लेकिन हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कार्बाइन जैसा हथियार, कार्बाइन जैसी मैगजीन और देसी राइफल ये कहाँ से आए। प्राथमिक दृष्टि से स्पष्ट हो रहा है कि ये देसी निर्माण ही है, आसपास के क्षेत्रों में से ही, जिलों में से ही कहीं सर इसका निर्माण हुआ है। तो अभी हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैद्यनाथ महतो अभी फरार है। जब तक वो गिरफ्तार होगा तो आगे की उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और हम लोग गिरफ्तार भी करेंगे और उसके पश्चात हम लोग स्पष्ट होंगे कि आखिर ये हथियार उसको किसने सप्लाई किए थे। जी स्पष्ट, ये स्पष्ट हो रहा है हथियारों को देखने से ये पूरा देसी निर्माण है। कार्बाइन भी आप देख सकते हैं कि कार्बाइन का फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन ये किसी कंपनी में निर्मित या किसी आधुनिक कंपनी में निर्मित कार्बाइन नहीं है। इसको लोग तरह तरह से मॉड्यूलेट करके बनाते हैं, अपने तरीके से इसको चेंज करते हैं, तो वैसे ही देसी निर्माण के तौर पर इसको किया गया है। तो हम लोगों को निर्माण स्थल तो नहीं मिला है, लेकिन ये उनके घर से बरामद की हुई है। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये ओनर थे उसके, तो ओनर थे उसके और उनके घर वालों को भी जानकारी थी। अब ये ओनर थे तो इन्होंने किससे खरीदा था और कहाँ सप्लाई हुई थी, इस बारे में हम लोगों को अग्रतर अनुसंधान करना अपेक्षित है। जहाँ से हथियार सर बनाया जा रहा है, अगर सभी बातें सामने आ रही, क्या वहाँ तक खोजने की? डेफिनेटली अवश्य, हम लोग यही हम लोगों का प्रयास है कि ये कहाँ से आया था वहाँ तक हम लोग पहुँचे, इसका जड़ कहाँ तक है वहाँ तक हम लोग पहुँचे। और इस घटना में महिला क्या भूमिका? वो अपने घर में थी और उनके सामने हथियार, उन्हीं के सामने हथियार बरामद हुआ।